रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहला मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और आज हम बात करने वाले इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। पहले मैच में इन दोनों टीमों की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ एंड तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के बारे में। तो गाइस सनराइजर हैदराबाद की टीम से आप सभी को तीन बड़े खिलाड़ी जो कि IPL 2020 के शुरुआती मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं, डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो एंड एम मार्स। तो गाइस ये तीन बड़े खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से शुरुआती मुकाबले मिस करने वाले सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, और ये सनराइजर हैदराबाद के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो गाइस अब हम बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में। तो गाइस सनराइजर हैदराबाद की तरफ से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे रिद्धिमान साहा एंड प्रियम गर, और यहाँ पे गोस्वामी को भी मौका मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे रिद्धिमान साहा और प्रियम गर गाइस यहाँ पे IPL 2020 के पहले मुकाबले में आप सभी को ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं। और शुरुआती मुकाबले में गाइस यहाँ पे रिद्धिमान साहा को ही एक मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर यहाँ पे इनके पास है, तो मेरे हिसाब से रिद्धिमान साहा को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीन नंबर के बारे में। तो तीसरे नंबर पर आपको नजर आने वाले हैं केन विलियमसन, और चार नंबर पर आपको नजर आने वाले हैं विराट सिंह, नंबर पांच पे नजर आने वाले हैं मनीष पांडे, नंबर छह पे नजर आने वाले हैं आप सभी को विजय शंकर, नंबर सात पे नजर आने वाले हैं मोहम्मद नबी जो कि काफी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और CPL में भी काफी कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे हैं मोहम्मद नबी। तो कैसे हम बात करते हैं नंबर आठ के बारे में। तो कैसे नंबर आठ पे नजर आने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार, नंबर नौ पे नजर आने वाले हैं राशिद खान, नंबर दस पे नजर आने वाले खलील अहमद, और नंबर ग्यारह पे आप सभी को नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ कौल। तो गाइस आप सभी को यहाँ पे इस प्रकार की यहाँ पे प्लेइंग 11 नजर आने वाली सनराइजर हैदराबाद की फर्स्ट मैच में। तो गाइस आपको कुछ इस प्रकार का प्लेइंग 11 नजर आने वाला है विदाउट डेविड वार्नर की, विदाउट जॉनी ब्रेस्टो के। तो गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के शुरुआती मुकाबले यहाँ पे मिस कर सकते हैं, अभी तक पूरा कन्फर्म नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे आशा लगाया जा रहा है कि एरन फिंच यहाँ पे IPL 2020 स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पे वही लैंड कर जाएंगे और RCB की टीम को ज्वाइन कर लेंगे एंड शुरुआती मुकाबले से वो यहाँ पे अवेलेबल नजर आ जाएंगे। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले RCB की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो गाइस आपको RCB की तरफ से ओपनिंग करते नजर आएंगे दीप द पार्टिकल एंड एरन फिंच। तो गाइस दीप द पार्टिकल और एरन फिंच आप सभी को यहाँ पे RCB की तरफ से ओपनिंग करते नजर आएंगे। तीन नंबर पे नजर आएंगे रन मशीन विराट कोहली, चार नंबर पे नजर आने वाले हैं AB डिविलियर्स, नंबर पांच पे नजर आने वाले हैं शिवम दुबे, नंबर छह पे गाइस आपको क्रिस मॉरिस मोइन अली में से कोई एक देखने को मिलेगा। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस छह नंबर के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे मोइन अली को रख रहा हूँ, तो आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। नंबर सात पे नजर आने वाले वॉशिंगटन सुंदर, नंबर आठ पे नजर आने वाले उमेश यादव, नंबर नौ पे नजर आने वाले नवदीप सैनी, नंबर दस पे नजर आने वाले हैं युजवेंद्र चहल, नंबर ग्यारह पे नजर आने वाले हैं डेल स्टेन। तो गाइस इस प्रकार का यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 आप सभी को नजर आने वाली शुरुआती मुकाबले में। तो गाइस RCB की प्लेइंग 11 भी यहाँ पे काफी अच्छी दिख रही है एंड सनराइजर हैदराबाद की भी प्लेइंग 11 हमें बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन उनकी ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कमजोर दिख रही है, क्योंकि रिद्धिमान साहा गाइस यहाँ पे उतने अच्छे नहीं है T20 फॉर्मेट में अगर हम लोग बात करें। तो गाइस इनकी ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे थोड़ा लड़खड़ा सकती है, लेकिन RCB की ओपनिंग जोड़ी एकदम टॉप क्लास है, क्योंकि देवदत्त पाटिकल यहाँ पे T20 में काफी कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं एंड गाइस डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने काफी तहलका मचाया है। और अगर हम बात करें एरन फिंच की, तो गाइस एरन फिंच भी यहाँ पे T20 क्रिकेट के एकदम बादशाह है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आएंगे तो एकदम टच में रहेंगे और RCB के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो गाइस RCB के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं देवदत्त पाटिकल और एरन फिंच मिलके। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। तो गाइस मेरे हिसाब से इस मुकाबले
आप लोग को यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मेरा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पल्ला यहाँ पे भारी दिख रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे इनकी ओपनिंग जोड़ी कमाल की है एंड इनके मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे, मोइन अली, आपको यहाँ पे क्रिस मॉरिस देखने को मिलेंगे। तो गाइस काफी अच्छी प्लेइंग 11 इनकी है। सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 में जो थोड़ा यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, डेविड ऑर्नर नहीं है, जॉनी ब्रेस्टो नहीं है, तो गाइस इनकी प्लेइंग 11 थोड़ा यहाँ पे लड़खड़ा रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस मुकाबले को यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जीत सकती है। तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको ये प्लेइंग 11 अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी।